हमारे तरफ सिवान में एक ललित बस स्टैंड है, वहाँ का जो पंडाल है सबसे मस्त बनता है, और इस समय वहाँ जो प्रभु श्री राम का, राम जन्मभूमि का जो ढांचा है ना, उसी को बनाया गया, तो उसको दिखाना सबसे इम्पोर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले आप, हम आज वहाँ जाएंगे, हालांकि रास्ते में बहुत ज़्यादा भीड़ मिलेगी, लेकिन फिर भी आपको दिखाएंगे। और मेरे नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज नेक्स्ट डे और विजयदशमी के बाद ये अंतिम दिन है नवरात्रि का मेला घूमने का, और यहाँ हम चार लोग तैयार हो गए, यहाँ पे मस्त बैठे हुए हैं और पाँचों लोग तैयार कर रहे हैं। और ये है आशीष राज, इनको तो आप भली भली जानते ही हैं, इनको भली भली जानते ही हैं, इनसे आप मिल लीजिए। ये क्या हो रहा है ब्रो, ये क्या हो रहा है? देखिए ये बंदा शर्मा रहा है वीडियो में आने के लिए, ये उत्सुक था और अभी शर्मा रहा है। भाई है, भाई है। तो चलिए ये फिलहाल जा रहा है सूजी लेके, सूजी कुछ बनवाने, और हम अभी कुछ नाश्ता वास्ता हल्का फुल्का कुछ खा के और फिर यहाँ से निकलेंगे और तब जाएंगे मेला देखने। और आज बाइक से जाने का प्लान है हमारा, तो पांच छह लोग हम लोग रास्ते में आराम से मिल ही जाएंगे, अभी तो फिलहाल चार लोग हैं और बाकी अभी बहुत दो लोग रास्ते में मिलेंगे। तो चलिए घर से निकलते हैं और बाहर का व्यू दिखाते हैं। करने में बात मत, बहुत भीड़ है गाइस, रात में 10 बजने वाले हैं और अभी इतना ज्यादा भीड़ है कि मत पूछिए। झूठ बोल रहे गाइस, उतना भीड़ नहीं है, पुष्पा मार्केट खुला है। ये जी बहुत भीड़ है, उतर जाता हूँ। और यहाँ हम आपको दर्शन करा रहे हैं सुंदर सजावटों से निर्मित सुंदर पंडाल का। तो बेसिकली हम लोग निकले थे मेला घूमने, लेकिन अचानक से प्लान चेंज हो गया और हम लोग पहुंच गए यहाँ पे। आते हैं लेकिन इधर चलाते हैं इधर। पैसा पे हुआ आशीष राज के द्वारा। देखिए आशीष, तुम्हारा मुंह देखना चाहते हैं हम, 400 रुपये वाला मुँह है ये, पढ़ाता याद कर लीजिए। 400 पे करने के बाद हम लोग देखिए कितना शान से निकल रहे हैं। शामिल हो जाइए, ये पुरस्कार आपके सामने। मैं इसी सुंदर से पंडाल के बारे में बात कर रहा था जो सिवान के ललित बस स्टैंड में आईजीको द्वारा बनाया गया है। तो चलिए आपको अंदर लेके चलते हैं। हेलो, एक विशेष सूचना, हमारे समिति के तरफ से कोई चाट या रसगुल्ला नहीं खाए हैं, वो लोग हमारे स्टैंड Water driving is skill bro. You are totally nailed it bro. Bariya call. Haan haan, maza aaya sis. और लग रहा है इस तरह से हमारी जो आज का जो ट्रिप है वो समाप्त हो रहा है। आशीष राज और हम और ये तीन लोग और बाकी दो लोग निकल चुके हैं आगे, तो इससे पहले फ़ोन गिर जाए। तो चलिए अपना ब्लॉग को यहीं पे, मतलब इस वाले जर्नी में यहाँ पे ख़त्म करते हैं, आगे आपसे बातें करेंगे। रेड हेवन में तुम्हारा सरप्राइज आशीष, बहुत अच्छा लगा। पैसे सुने कहीं खाई गई, फोन करो। ओके ओके, मित्रों रात के बज रहे हैं 12:30 और हम अपने घर पे आ चुके हैं और फाइनली वो हम सोने जा रहे हैं। और देखिए एक चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, पिछले
15 दिन के लिए मैं YouTube से थोड़ा सा दूर क्या हो गया था यार, मेरे वीडियो पे व्यूज ही नहीं आ रहा, जहाँ पहले 200-250 व्यू आ रहे थे अभी 50 55 60 बस यही के आसपास जा रहे हैं। मतलब क्या हो गया मेरे साथ, मेरा पता नहीं, मेहनत करने के बावजूद भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियाँ तो जरूर रह जा रही है जिसकी वजह से मेरा वीडियो चल नहीं पा रहा है। तो यार दोस्त आप लोगों से मैं बस एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा एक आखिरी बार कि बहुत बार मैं जब मैं डिमोटिवेट हो जाता हूँ तो मेरा मन करता है कि मैं छोड़ दूँ, लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि यार इतनी जल्दी हार मानना ठीक नहीं रहेगा, तो मैं कंटिन्यू मेहनत करते रहता हूँ, मेहनत करने पर ध्यान देता हूँ, फिर भी कुछ व्यू वगैरह कुछ खास जा नहीं रहे हैं तो थोड़ा सा अंदर से आदमी का हिम्मत टूटता है, कहीं ना कहीं कोई कमी है मेरे वीडियो में, मैं इस चीज़ को फील कर रहा हूँ, और कमी क्या है मैं उसको खोज नहीं पा रहा हूँ। तो यार अगर आप लोगों को अगर कोई भी कमी लगे तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों तो एटलीस्ट एक कमेंट तो कर ही सकते हैं, आप बताइए कि कमेंट सेक्शन में जाके कि मेरे वीडियो में कहाँ क्या कमियाँ बाकी रह जा रही हैं जिस पे मैं वर्क करूँ, मैं अपने थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल को भी बेहतर करने के लिए बुक्स वगैरह पढ़ रहा हूँ। तो यार और भी अगर कहीं भी आपको कोई भी कमी नज़र आए मेरे वीडियो में तो आप बेझिझक होकर एक भाई होने के नाते एक दोस्त होने के नाते आप बेझिझक होकर आप कमेंट कीजिए बताइए, प्रॉमिस करता हूँ उस चीज़ पे मैं फोकस करने की कोशिश करूँगा और उसको दूर करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए यार ज्ञान की बातें बहुत हो गई और ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपका एक राय हो सकता है कि मेरी वीडियो पे व्यूज़ वगैरह आने लगे, देखिए प्लीज़ एक बार आप कमेंट सेक्शन में जाइए, जब भी मैं कभी वीडियो डालता हूँ आप हर वीडियो में कमेंट सेक्शन में जाइए और उसकी अच्छाइयों को उसकी बुराइयों को ज़रूर हमें बताइए, अच्छाइयाँ ना बताइए चलेगा लेकिन जो मेरे वीडियो में बुराइयाँ हैं जिस चीज़ की वजह से मैं थोड़ा सा पीछे रह जा रहा हूँ उसके बारे में आप बेझिझक होकर बताइए, आपका स्वागत रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो पे आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा और बताइएगा मेरी सारी कमियों को, इस वीडियो में दीजिए हमें इजाज़त और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।